नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़ और एचसीएन फिल्मी के साथ मैं हूं निशा कश्यप। साउथ की सुपरस्टार पवन कल्याण की अपकमिंग मूवी भीमला नायक का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब दर्शकों का वो इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में भीमला नायक को रिलीज किया गया था, लेकिन वो तेलुगु भाषा में थी। वहीं अब नॉर्थ इंडियंस के पसंद को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया और आज आखिर फैंस की बेसब्री खत्म हो गई, क्योंकि भीमला नायक का मूवी हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होने वाली है। वहीं बता दें कि ये फिल्म जिसे तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था, उसे सिनेमा घरों में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ओपनिंग के साथ ही भीमला नायक ने बम्पर कमाई की है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को ये मूवी थिएटर्स में आ चुकी थी, जिसके बाद इसने अजीत कुमार के वली में और आलिया के गंगूबाई काठियावाड़ी को टक्कर दे दी थी और रेस में पीछे कर दिया था। अब तक के इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बता दें ये 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। वहीं आगे हम स्टोरी के बारे में शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपका सस्पेंस और इंटरेस्ट खराब ना हो। पहले तो आपको जानकारी दे दें कि इस फिल्म में लीड रोल में पवन कल्याण है और उनके अपोजिट फीमेल फेस में है नित्या मेनन और विलन की भूमिका निभा रहे हैं राणा दग्गुबाती। साथ ही आपको आखिर में एक और मजेदार जानकारी भी देंगे कि इस मूवी का बॉलीवुड में रीमेक बनेगा या नहीं, और अगर बनता है तो कौन इसके लीड रोल में होगा। वहीं इस फिल्म का निर्देशन सागर चंद्रा ने किया है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो बता दें कि फिल्म की कहानी की शुरुआत राजनेता डेनियाल शेखर की गिरफ्तारी के साथ शुरू होती है। नेता होने की वजह से वो अरेस्ट होने के बावजूद थाने के अंदर नखरे दिखाता है और फिर एसआई भीमला नायक यानी कि पवन कल्याण इसे टॉलरेट नहीं करते। दोनों के बीच यहीं से शुरू होता है दुश्मनी का सिलसिला। ये छोटा सा मामला गंभीर बन जाता है। फिर कहां पहुंचती है फिल्म की कहानी, ये देखने के लिए आप भी थिएटर्स का रुख करें। फिल्म में एक्शन का फुल ऑन डोज है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी स्लो है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है फिल्म में एंटरटेनमेंट बढ़ जाता है। दोनों एक्टर्स के बीच का टशन काफी दिलचस्प मोड़ के साथ फिल्म के मजेदार क्लाइमेक्स को दर्शाता है। वहीं अगर एक्टिंग की बात करें तो पवन कल्याण का तो जवाब ही नहीं है। उनके धमाकेदार एंट्री से लेकर बेस्ट डायलॉग डिलीवरी, हर कुछ परफेक्ट होता है। वहीं विलेन की रोल में दिख रहे राणा दग्गुबाती की एक्टिंग तो बाहुबली से ही सबके जहन में उतर चुकी है। वहीं नित्या मेनन भी बेहतरीन अदाकारा है, हालांकि उनके रोल फिल्म में कुछ ज्यादा नहीं है। साथ ही आपको खास जानकारी जो देनी थी वो ये है कि भीमला नायक की हिंदी रीमेक को फिल्माया जाएगा और अब बॉलीवुड में भी भीमला नायक अपना जादू बिखेरेगा। और जो दो नाम इस फिल्म में भीमला के कैरेक्टर के लिए उम्मीद लगाए जा रहे हैं वो है जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर। वहीं इस फिल्म को जगाम शक्ति डायरेक्ट करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भीमला नायक की हिंदी रीमेक को बॉलीवुड में भी उतना ही प्यार मिलता है जितना कि पवन कल्याण को मिला। आपको हमारी ये रिव्यू कैसी लगी अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मूवी और ट्रेलर रिव्यूज के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज़ फिल्मी और बने रहें एचसीएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।